और चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी के ग्वालियर की कलेक्ट्रेट परिसर में होने वाली जनसुनवाई में आम जनता का सब्र और भरोसा दोनों का मजाक बनाया जा रहा है। ग्वालियर जिले के दूरदराज के इलाकों से अपनी गुहार लेकर आने वाले आवेदकों की सुनवाई नहीं होती, और ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि चाहे वो अपनों की सताई हुई पीड़ित महिलाएं हों या रोजगार या अन्य सहायता के लिए आने वाला कोई भी विकलांग युवक, यहाँ सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो सभी की सुनवाई होती है, लेकिन कुछ डिजिटल खामियों की वजह से कभी कभी नहीं हो पाती है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से पूछा गया तो उन्होंने भी प्रशासनिक अधिकारियों की भाषा में तकनीकी खामियों का हवाला दिया। स्थिति ये थी कि मैं 15 साल से आवेदन ला रहा हूँ, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो नया आवेदन मैं क्यों बनाऊँ? आप फिर भी उसके बाद आवेदन मांग रहे हैं आप। मैंने कि आवेदन नहीं है, उन्हीं पर कार्रवाई हो तब तो मैं कुछ करूँ, कोई आवेदन नया बनाऊँ, उन्हीं पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो मैं कहाँ से दूसरा आवेदन दूँ? दादागिरी दिखा रहा था, कोई काम तो करते नहीं है ऊपर से। नहीं, हम आप नहीं लाओगे आवेदन, विकलांग परेशान हो रहा है, आवेदन कितनी बार दे उसके बावजूद भी ये लोग आवेदन मांग रहे हैं और आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर बड़ी गंभीरता से की जाती है, शेड्यूल समय में की जाती है, पूरे समय अधिकारी देके सुनवाई करते हैं। जो जन सुनवाई में नियमानुसार समस्याएं निपटाई जा सकती हैं उनका निराकरण 100% किया जाता है। कई सुनवाइयों में जाँच की जरूरत पड़ती है, जाँच के बाद में कार्रवाई की जाती है। कई समस्याएँ ऐसी हैं जो जन सुनवाई के स्तर पर हल नहीं की जा सकती। यदि कोई नौकरी की मांग करता है, शासकीय उसमें जो है चयन की बात करता है, नियुक्ति की बात करता है, तो ऐसी चीज़ें जन सुनवाई में नहीं निपटाई जा सकती। प्रदेश के अधिकारियों की माननीय ने बैठक ली, मंत्री लोग, विधायक लोग, और अपने अपने क्षेत्र की बात भी की। और आज लाडली बहना के जो बैंक में खाते, बैंक में आधार से लिंक नहीं हुए, उनके लिए भी बात की। कौन लोग हैं ऐसे जो पात्र हितग्राही हैं, जो राशन की पात्रता पर्ची से बच गए हैं, वृद्धा पेंशन से बच गए हैं, इन सब विषयों पर चर्चा हुई और उनके निराकरण का निर्देश दिया है।